फ्रेंड्स, आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बढ़ती हुई गर्मी, इसमें कैसे हम दिन के वक्त एसी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी में लोग एसी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है। वो एसी जब लगाते हैं तो अंदर का तो ठंडा कर देता है, पर जब वो बाहर गर्म हवा निकालता है तो बाहर का जो टेम्परेचर है और गर्म होता है, क्योंकि आजकल जो एसी है हर जगह आप देख सकते हैं आम है। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने नेचर के बारे में भी सोचना चाहिए। और एसी के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, अगर हम ज़्यादा एसी का यूज़ करते हैं वो शायद लोगों को पता नहीं है। तो मैं ये पूरा टॉपिक डिस्कस करूँगी, तो आप वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ आएगी। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपकी तरह ही गर्मी में ही रह रही हूँ, पर मेरे पास एक तरीका है कि कैसे गर्मी में निजात डालें। जो पंखे की हवा है वो ही काफ़ी होती है दिन के वक्त। रात के वक्त आप यूज़ कर सकते हैं एसी, चलो एक टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं जानते कि एसी हमारे, जब हम एसी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो वो हमारी सेहत को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करता है। हमें सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी लगेगा और हमें इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा कम होता जाएगा, जिस वजह से हम बीमारियों का शिकार होते जाएंगे। तो ये तो हुआ एक नुकसान। और भी बहुत रखें, जो पंखा है दिन के वक्त वो ही काफ़ी है, और मैं खुद भी यही करती हूँ, तो मैं आज आपको भी बताती हूँ। तो देखिए, दिन के वक्त मैंने जो हमारा जो कमरे का मेन डोर है और जो बाकी कमरे हैं, जो मेरे कमरे बाहर की तरफ खुलते हैं, जैसे ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा और ये ताकियाँ, ये बाहर की तरफ जो खुलते हैं, और भी जो आपके कमरे हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, तो उनको आप दिन के वक्त बंद कर लें, ताकियाँ भी बंद कर लें और दरवाजे जो बाहर की तरफ खुलते हैं उनको बंद कर दें, क्योंकि बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर नहीं आएगी। ये एक पॉइंट हो गया। उससे क्या होगा, आपका जो कमरे का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बाहर की हवा को वो कैच नहीं करेगा, क्योंकि बाहर जो गर्म हवा है वो अंदर नहीं आएगी, तो आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो उतना डाउन हो जाएगा ठंडा। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जो आपके कमरों में ऐसे पर्दे, तो ये बंद कर दिया मैंने। तो अब आप और भी बाकी आपके जो कमरे हैं उनमें भी आप ऐसे ही कर्टन लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं जो खुद करती हूँ, मुझे जब कुछ देखना होता है, जब कुछ न्यूज़ पेपर पढ़ना होता है, तो मैं कर्टन को थोड़ा सा इतना सा साइड में करके, ताकि थोड़ी सी रोशनी अंदर आए। चाहे तो आप इसको भी बंद कर दें और आप पंखा चला सकते हैं। मैंने अभी पंखा बंद किया है क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ। तो आप पंखा चलाए, फिर आप नोट करें, जब आप सारे कमरों के जो बाहर की तरफ खोलते हैं, सारे कमरे फिर दरवाजे और ताकियाँ बंद करेंगे, तो उससे आपका कमरे का टेम्परेचर, जो गर्मी है वो कम हो जाएगा। जब आप पर्दे लगाएंगे तो उससे और टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा और आपको ठंडक महसूस होगी। करें हर जगह, अगर आप ये मेथड यूज़ करें तो आप देखना, आपको एसी का यूज़ ज़्यादा नहीं करें, कम से कम दिन के वक्त आप एसी को बंद रखें, तो आप अपनी सेहत ही नहीं, आप नेचर की भी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, ये दो ड्रिंक आप गर्मियों में पिए, आपको अंदर से गर्मी कम महसूस होगी। दूसरा, जो आपको मैंने गर्मी में कैसे कमरे को कूल रखना है ये बताया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और तीसरी, मैं आपको और एक राय दूंगी, गर्मियों में हमें जब हम बाहर निकलते हैं तो छतरी और एक पानी की बॉटल हम गर्मी में यूज़ करेंगे, घून गतीरा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक दो घंटे के लिए घून गतीरा पानी में भिगो के रखें, दो घंटे के लिए, फिर आप इसको नींबू पानी जब बनाते हैं उसमें डालकर दो चम्मच पी सकते हैं, और इसको दही में डालकर भी खा सकते हैं, तो ये इसकी तासीर भी ठंडी होती है। ड्रिंक जो है वो है हमारा लस्सी।
लस्सी की जो तासीर है वो ठंडी होती है, तो गर्मी में हमें हर दोपहर को लस्सी का उपयोग करना चाहिए। जितना हम लस्सी यूज़ करेंगे उतनी हमारी बॉडी अंदर से ठंडी रहेगी। तो ये हमारा पहला ट्रिक। दिन के वक्त अगर आप एसी नहीं लगाएंगे तो चलेगा, रात को चाहे आप यूज़ कर सकते, पर अगर आप नोट करें आप दिन के वक्त ही एसी यूज़ ना करें तो कितना बेनिफिट होगा आपको, करेंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा ये मेथड और मेरे ये विचार अच्छे लगे हों। मैं ऐसे ही और भी घरेलू मेथड और वीडियो लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।